Assalamualaikum. My name is Dr. Samashfaq, and in this video, I am going to discuss about some of the instruments used in ENT. So this is the first instrument. This is the called towel clip. और सर ये different surgeries में इसका simple use है कि जो towel है उसको clip करने के लिए use होता है. This is Boyle Davis mouth gag. Different surgeries में मतलब ये होता है Boyle Davis mouth gag with this टंग डिप्रेसर, ठीक है, ब्लेड लाइक. तो ये डिफरेंट सर्जरीज में ओरल कैविटी को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है. ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे इसके दरमियान पे हम सर्जरीज करते हैं, ठीक है. तो ये ओरल कैविटी को ओपन करने के लिए यूज होता है इन वेरियस इंट्रा ओरल सर्जरीज लाइक टॉन्सिलेक्टमी, यूवलोप्लास्टी, पैलेटोफ्रिंगोप्लास्टी एंड एडेनोइडेक्टमी. दिस इज द ड्राफिन्स बाइपोड. ड्राफिन्स बाइपोड जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि ये है बॉयल डेविस माउथ गैग, इसको होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है. दिस इज़ अ टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप. टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप में क्या होता है कि जो इसका ये एंड है इससे हम टॉन्सिल को होल्ड करते हैं और उसको मीडियली मूव करते हैं ताकि हमें एक प्लेन मिल जाए बिटवीन द टॉन्सिल एंड द एंटीरियर पिलर जहाँ पे हम इंसीजन देते हैं. सबसे क्योंकि टॉन्सिलेक्टमी का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इंसीजन इन बिटवीन द एंटीरियर पिलर एंड द टॉन्सिल. तो वहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इंसाइज करना होता है. दिस इज द एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर. एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर का ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पे एंटीरियर पिलर मतलब टॉन्सिल है उसका एंटीरियर पिलर है, इसको यहाँ पे आता है मतलब वो इसके अंदर असेंबल कर जाता है और फिर ये इसको मूव करता है रिट्रैक्ट करते हैं. दिस इज द टॉन्सिलर डाइसेक्टर. टॉन्सिल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ यूज टू डाइसेक्ट द टॉन्सिल फ्रॉम इट्स बेड, ठीक है. ऐसा ऐसा उसको टॉन्सिल को डाइसेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. दिस इज द टॉन्सिलर सीजर्स. टॉन्सिल मतलब टॉन्सिलर सीजर्स का क्या फंक्शन है कि जो हम स्टार्ट में इंसीजन देते हैं ये उसमें भी यूज हो सकती है, ठीक है. स्टार्ट में इंसीजन देने के लिए इस्तेमाल होती है, इवन डाइसेक्शन करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है. तो इसके भी डिफरेंट फंक्शन है टॉन्सिलर सीजर्स के. दिस इज द ईव्स टॉन्सिलर स्नेयर. ईव्स टॉन्सिलर स्नेयर का क्या फंक्शन है, इसकी जो आप ये लूप देख रहे हैं इसको हम टॉन्सिल के मतलब जब हम टॉन्सिलेक्टमी में डाइसेक्शन कर रहे होते हैं ना तो उसको हम कम्प्लीटली डाइसेक्ट कर देते हैं सवाए उसके लोअर पोल के. तो टॉन्सिल की जो ये लूप है वाइड लूप है इसको टॉन्सिल से पास करते हैं और लोअर पोल का जो स्टाक उसका अटैच है उस पर ला के इसको पुश करते हैं जिसकी वजह से ये इसको कट कर देते हैं, ठीक है. जैसे एक डोर है वो कट करती है ना उस तरह ये उसको कट कर देते हैं. नाउ दिस इज द यैंकर्स सक्शन ट्यूब. यैंकर सक्शन ट्यूब जो है वो मतलब डिफरेंट हम सर्जरीज कर रहे हैं टॉन्सिलेक्टमी कर रहे हैं या कोई सर्जरी कर रहे हैं वहाँ पे म्यूकस इकट्ठा हो सकता है या वहाँ पे ब्लीडिंग फ्लूड ब्लीडिंग इकट्ठी हो सकती है ब्लड इकट्ठा हो सकता है. तो ये होता है. अब ये बेंट क्यों है, बेंट होने की वजह यह है कि अगर तो ये स्ट्रेट होगा जस्ट इमेजिन यहाँ पे ये ओरल कैविटी है और यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ सर्जरी यानी टॉन्सिल है. तो अगर आप इसको स्ट्रेट डालते हैं तो ये आपके पॉइंट विजन ऑफ सर्जरी के विजन ऑफ सर्जरी में आएगा. तो ये ऐसे इसलिए बेंट है ताकि ये आपकी विजन ऑफ सर्जरी में ना आए. दिस इज द निगस आर्टरी फोर्सेप. इट इज यूज टू क्लैम्प द आर्टरी वाइल लाइगेशन, ठीक है. मतलब आर्टरी की लाइगेशन में यूज होती है जब आर्टरी बार बार लाइगेट और आर्टरी की ब्लीडिंग आर्टरी रप्चर होती है या उससे ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है तो उसको इसकी लाइगेशन में इस्तेमाल होती है. दिस इज द टूथ फोर्स है. यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको स्मॉल टूथ लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रहे हैं इसलिए इसको कहते हैं टूथ फोर्स है. दिस इज द कर्व्ड आर्टरी फोर्स है, ठीक है. ये देखें अगर आप देखें इसको तो इसका ये पार्ट ऊपर की तरफ कर्व्ड है, ठीक है. और ये क्या है, कर्व्ड आर्टरी फोर्स है. अब आर्टरी फोर्स है का डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा. आर्टरी फोर्स है इज वेरी सिमिलर टू द नीडल होल्डिंग फोर्स है. अब ये क्या है, निगस नॉट टायर. निगस नॉट टायर में क्या होता है कि जो स्यूचर है ना उसको ये स्यूचर को गाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है जो हम मतलब आर्टरी की लाइगेशन करनी होती है ना विद हेल्प ऑफ आर्टरी फोर्सेप. तो ये उसके फिर स्यूचर करते हैं, स्यूचर की हेल्प से उसको लाइगेट करते हैं. तो ये उस लाइगेचर को जो मतलब स्यूचर होगा उसको हम इसमें प्लेस करते हैं, इसमें प्लेस करते हैं और ये फिर उसको गाइड करके पॉइंट ऑफ ब्लीडिंग का लेके जाते हैं जहाँ पे हम उसका आर्टरी की लाइगेशन कर देते हैं. दिस इज द सीजर्स, सिंपल सीजर्स. यह है किलियंस नेजल स्पेकुलम. किलियंस नेजल स्पेकुलम इज डिफरेंट फ्रॉम
Oblique nasal speculum. Kellyanne nasal speculum is mainly used in the operation theaters for surgical interventions. इसका क्या फंक्शन है कि जब हम इसको नेजल कैविटी में प्लेस करते हैं और यहाँ से इसको प्रेस करते हैं तो ये नेजल कैविटी को ओपन कर देता है, ठीक है। तो डिफरेंट जब हम नेजल सर्जरीज कर रहे होते हैं तो हमें नेजल कैविटी को ओपन चाहिए, वाइडली ओपन चाहिए, तो ये नेजल कैविटी को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है, टू एक्सपोज द स्ट्रक्चर इन द नेजल कैविटी वाइल वेरियस सर्जरीज। दिस इज द लक्स फोर्सेप। अब लक्स फोर्सेप शुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप एंड मैगियल फोर्सेप आल्सो। नाउ टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप में जो ये पार्ट होते हैं ये दोनों, एक छोटा होता है और एक उसका बड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या है ये दोनों एक जितने होते हैं। टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप के जो ये एंड होते हैं ना ये ब्लंट होते हैं, लेकिन इसके जो ये एंड होते हैं ये शार्प होते हैं, क्योंकि इसने बायोप्सी लेनी होती है, कट करना होता है टिश्यू। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज कि जब आप इस सीजर को बंद करेंगे ना तो इसका जो ये पार्ट है ना ये इसके अंदर समा जाता है, मतलब ये इसके, ये देखें अगर आप यहाँ पे आप थोड़ा वो देखें आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें इस स्लिट से नज़र आ रही है, तो जो ये पार्ट है ना ये इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। लेकिन टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसका ये यहाँ पे एक एक रॉन्ग था, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे था, लेकिन इसका जो ये वाला है जब आप इसको कम्प्लीटली बंद करेंगे तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना होल्स, होल तो नहीं कहेंगे इसको, ओपनिंग से नज़र आ रही है, तो ये इसके अंदर चला जाता है। दिस इज द टिलीज हैंकल फोर्सेप। टिलीज हैंकल फोर्सेप, ठीक है, ये है टिलीज हैंकल फोर्सेप। दिस इज द टर्बिनेक्टमी सीजन। नाम से पता चल रहा है कि दिस सीजन इज यूज इन टर्बिनेक्टमी, मतलब टर्बिनेक्टमी में हाइपरट्रॉफी हो गई है तो या हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस है उसमें टर्बिनेट्स इनलार्ज कर जाते हैं, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और साइनोसाइटिस हो सकता है, और डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन रिलेटेड टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो उसमें टर्बिनेक्टमी की जाती है। दिस इज द टिलीज ड्रेसिंग फोर्सेप। टिलीज ड्रेसिंग फोर्सेप इज मेनली यूज्ड इन नेजल ड्रेसिंग, नेजल पैकिंग एंड रिमूवल ऑफ नेजल पैकिंग, और इवन इट इज ऑल्सो यूज इन ईयर पैकिंग। दिस इज द हैमर या मैलेट। दिस इज द बोन गूज, बोथ आर यूज टूगेदर टू रिमूव सम बोन्स, जैसे सेप्टोप्लास्टी हो गई। दिस इज द फ्रियर पेरियोस्टियल एलिवेटर। नाउ से पता चल रहा है कि इट इज यूज इन एलिवेशन ऑफ पेरियोस्टियम, लाइक इन मे ऑल्सो यूज इन सेप्टोप्लास्टी। दिस इज द डबल एंड या फ्रीयर डबल एंड पेरियोस्टियल एलिवेटर। दिस इज द ब्लेड हैंडल, या आप इसको स्कैपल भी कह सकते हैं, मतलब स्कैपल का पोर्शन है और यहाँ पे ब्लेड ब्लेड लगा होता है इसमें, जो हम सर्जरी में सी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द ऑस्टियोटोम। इसके एक मतलब मोस्ट कॉमन इंडिकेशन या मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ क्या है कि जब हम कार्डियोवास्कुलर ऑपरेशन करते हैं जिसमें कैनाइन फोसा में एक ओपनिंग बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि पहले स्मॉल ओपनिंग्स बनाई जाती हैं जिनको मिला के एक लार्ज ओपनिंग बनाई जाती है, तो स्मॉल ओपनिंग्स बनाने में ये यूज होता है ऑस्टियोडोम। दिस इज द फाइन सीजर। दिस इज द प्लेन फोर्सेप। अगर आप इसको देखें तो इसमें कोई टूथ लाइक प्रोजेक्शन नहीं है, तो इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम टूथ फोर्सेप। तो दोनों यूज होते हैं इन होल्डिंग द टिश्यू। टूथ फोर्सेप। दिस इज द नीडल होल्डिंग फोर्सेप। नीडल होल्डिंग फोर्सेप को डिफरेंशिएट करना चाहिए विद द आर्टरी फोर्सेप। इसमें क्या डिफरेंस है, मेन एक डिफरेंस क्या होता है कि इसको जब भी रखा जाता है इसको खोल कर रखा जाता है, तो जो टूथ होल्डिंग नीडल होल्डिंग फोर्सेप इसमें आपको क्रॉस स्ट्राइएशन नज़र आती है, मतलब लाइन ऐसे हैं ऐसे और आगे एक एक रो लाइन्स क्या है ऐसे, ठीक है, मतलब क्रॉस स्ट्राइएशन होती है, मतलब जब आप इसके अंदर देखेंगे ना इसके अंदर आपको दोनों तरफ क्रॉस स्ट्राइएशन नज़र आएंगे, बट जबकि जब आप एक आर्टरी फोर्सेप देखते हैं ना उसमें क्या होता है स्ट्रेट स्ट्राइएशन होती है, मतलब ऐसे लाइन लगी दूसरी फिर ऐसे इस तरह करके सीधी लाइनें लगी होती हैं इसके अंदर। दिस इज द सकरेंट। दिस इज द स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा होगा कि इसमें स्ट्रेट लाइंस लगी हुई हैं फ्रॉम, ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइंस लगी हुई हैं।
This is the kidney tray. Now next is ash forceps. एश फोर्सेप में सबसे पहले तो इट शुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द वॉल शेम फोर्सेप. एश फोर्सेप में अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है थोड़ा सा उठा हुआ है, बेंड है, और ये बाकी स्ट्रेट है. ठीक है, सो एश फोर्सेप का यूज़ क्या है? एश फोर्सेप इज यूज टू रिड्यूस द फ्रैक्चर ऑफ नेजल सेप्टम. ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने पहले आपने इसके दोनों पार्ट्स को. सेकेंडली इसके जो ये दोनों है ना एंड्स हैं, ये आपस में कम्प्लीटली नहीं मिल पाते, लेकिन जब वॉशिंग फोर्सेप अगर इसमें आप ये रबर को रिमूव कर दोगे ना, तो ये दोनों एंड कम्प्लीटली मिल जाते हैं. बाकी ये स्ट्रेट है और इसका ये पार्ट ऊपर को बेंड है, और इट इज़ यूज फॉर नेजल सेप्टम फ्रैक्चर रिडक्शन. दिस इज द वॉशिंग फोर्सेप, जो कि अगर आप देखें स्ट्रेट है बिल्कुल. इट इज़ यूज टू रिड्यूस द फ्रैक्चर ऑफ नेजल बोन. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो पार्ट है इसका ये बाहर की तरफ अंदर की तरफ होता है, और ये टूवर्ड द स्किन होता है ताकि स्किन को डैमेज ना हो. दिस इज द एथमोइड क्यूरेट, एथमोइडेक्टोमी में यूज होगा. दिस इज द पैराप्यूफ पेरियोस्टियल एलिवेटर. नाम से पता चल रहा है कि इट यूज टू एलिवेट द पेरियोस्टियम, फॉर एग्जाम्पल इन मैस्टोइडेक्टोमी टू एलिवेट द पेरियोस्टियम. दिस इज द एडिनोइड क्यूरेट विद गार्ड. दिस इज यूज इन एडिनोइडेक्टोमी. एडिनोइडेक्टोमी में क्या ये करते हैं कि हम इसकी मदद से क्या करेंगे, जो हाइपरट्रोफिक एडिनोइड है जो कि मोस्टली बच्चों में देखा जाता है, जिसके लाइक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, इसके अलावा एस्ट्रिशन ट्यूब ब्लॉकेज, जिसकी वजह से मिडिल ईयर इन्फेक्शन होते हैं, तो उसमें ये एडिनोइड को रिमूव करना एक इंडिकेशन हो जाती है. तो उसमें ये यूज होता है एडिनोइड को स्क्रैप करने के लिए. साथ इसके गार्ड होता है, उस गार्ड का क्या फंक्शन है? टू प्रिवेंट द ड्रॉपिंग ऑफ दैट टिश्यू इन टू द नेजोफेरिक्स एंड देन टू द थ्रोट. दिस इज द ट्रेकियल डायलेटर. ट्रेकियल डायलेटर को जब आप यहाँ से इसको ओपन, यहाँ से इसको बंद करने को ना, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये खुल जाएगा. ठीक है, तो इसको सीधर की तरह जब हम यूज़ करते हैं, मतलब इसको हम बंद करेंगे तो यहाँ से इसका जो ये पार्ट है ये खुल जाएगा. जब हमने ट्रेकियोस्टोमी में इंसीजन दी होती है ना, उसको डायलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है. दिस इज द राइट एंगल रिट्रैक्टर्स. राइट एंगल रिट्रैक्टर है, सॉफ्ट टिश्यू को रिट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट सर्जरीज में इस्तेमाल होती हैं, फॉर एग्जांपल इन ट्रेकियोस्टोमी. दिस इज द कैटपा रिट्रैक्टर. नाम देखें, अगर आप देखें आपको कैटपा की तरह की इनकी अपीयरेंस है, कैटपा रिट्रैक्टर. और ये क्या है? वही राइट एंगल रिट्रैक्टर. तो इसका कंप्लीट नेम बनता है राइट एंगल कैटपा रिट्रैक्टर्स. दिस इज द स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स. स्पंज होल्डिंग फोर्सेप नाम से पता चल रहा है कि ये स्पंज को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है. एक इसका यूज़ क्या है कि जब हम मोपिंग कर रहे होते हैं या एंटीसेप्टिक मैयर ले रहे होते हैं ना पॉइंट ऑफ इंसिजन के ऊपर, तो वहाँ पे उसको मतलब उसमें स्पंज को होल्ड करते हैं और फिर एंटीसेप्टिक एजेंट लेते हैं और इसको मोप करते हैं. दिस इज द कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप. कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप में आप यहाँ पे अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये स्ट्रेट स्ट्राइएशन है जो नीचे को डायरेक्टली डाउनवर्ड जा रही हैं. ठीक है, जबकि निडल होल्डिंग फोर्सेप में कैसी होती हैं? क्रॉस स्ट्राइएशंस. दिस इज द एलिस फोर्सेप. इसमें इसके एंड पे आप देखें कप शेप आपको नजर आ रहा है, ये कप शेप होते हैं. दिस इज द डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी. अब डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के डिफरेंट इंडिकेशन हैं, इसके कुछ थेरापीटिक इंडिकेशन हैं, कुछ इसके डायग्नोस्टिक इंडिकेशन है. नंबर वन, तो ये तब की जाती है जब आइडियल ना की जा रही हो. ठीक है, लाइक आइडियल हम बच्चों में नहीं कर पाते ठीक से, वो कोऑपरेटिव नहीं होते हैं. इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं इन वेरियस डायग्नोस्टिक पर्पजेज, लाइक फॉरन बॉडी देखनी है हमने, कोई फॉरन बॉडी कहाँ पे है. इसके अलावा कोई हमने बायोप्सी ले ली है उसमें यूज़ होता है, और ऐसे एरियाज जो कि हमें इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी से नहीं नज़र आ रहे तो उनको भी देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं. दिस इज द एसोफेगोस्कोप एंड दिस इज द ब्रोंकोस्कोप. अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एसोफेगोस्कोप पे आपको यहाँ पे इसका जो लोअर एंड है, डिस्टल एंड है, इस पे कोई होल्स ही नज़र आ रहे, जबकि ब्रोंकोस्कोप में आपको यहाँ पे होल्स नज़र आ रहे हैं. अब ब्रोंकोस्कोप में इन होल्स का क्या फंक्शन है कि जब आप ब्रोंकोस्कोपी करते हैं आप एक ब्रोंकाई मेंटर हो गए हैं. अब जब आप एक ब्रोंकाई मेंटर हो रहे हैं तो इस कंडीशन में जो दूसरा लंग है उसमें वेंटिलेशन नहीं हो पा रही. तो अगर ये क्लोज होता तो वहाँ तक कोई एयर नहीं जानी थी, लेकिन जब आप इसमें होल्स होंगे तो एयर एक तो उसी लंग्स को भी वेंटिलेट कर रही है,
तो इससे निकल के उसको दूसरे लंग्स को भी वेंटिलेट करती है। तो इन होल्स का क्या फंक्शन है? टू वेंटिलेट द कॉन्ट्रालेटरल लंग्स। सेकेंडली इसमें आप ब्रोंकोस एसोफेगोस्कोप पे देखें, आपको यहाँ पे स्ट्राइएशन और स्ट्राइएशन नहीं बल्कि ग्रेडिंग नज़र आती है। इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि जब आप एसोफेगोस्कोपी करते हैं तो एसोफेगस जो है वो एक ब्लाइंड ब्लाइंड ट्यूब है। जब आप एयरवे में जाते हैं वहाँ पे तो आपको ट्रेकिया रिंग्स नज़र आती हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज नज़र आती है, कैरिना नज़र आता है, तो उससे पता चलता है कि आप कहाँ पे हैं इस वक्त। लेकिन इस कंडीशन में एसोफेगस जब एक कंप्लीट ब्लाइंड ट्यूब है तो हमें ग्रेडिंग चाहिए कि हम इस वक्त इस पॉइंट पे हैं, हम इस वक्त इस पॉइंट पे हैं, तो ताकि हम डिफरेंट पर्पजेज में इसको इस्तेमाल कर सकें। हम एसोफेगस के डिफरेंट एसोफेगोस्कोपी के डिफरेंट यूजेज हैं, लाइक कुछ थेरापूटिक यूजेज हैं जैसे कि कोई बिनाइन मैस है उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ट्रेकियल जो स्ट्रिक्चर्स बने हैं उनको डायलेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो वेब है उसको डायलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा स्क्लेरोथेरेपी और गैस्ट्रिक वेरिसिस उसमें इस्तेमाल होता है। और इसके कुछ डायग्नोस्टिक पर्पजेज हैं, लाइक बायोप्सी लेने में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा टू डायग्नोज द कॉज ऑफ वीज, टू डायग्नोज द कॉज ऑफ डिस्फेजिया, रेटोस्टनर है, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। और यह है ब्रोंकोस्कोप। अब हाँ, इसमें मैं आपको बता रहा था कि आप देखें, जब आपको कोई पता नहीं है कि आप एसोफेगस में कहाँ पे हैं तो यहाँ पे आप ग्रेडिंग होना ज़रूरी है। तो इसमें ग्रेडिंग होती है 40 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस ऑफ फंडस एंड अपर इंसाइजर्स कितना होता है? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब आप जाएंगे आपको 15 सेंटीमीटर पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मतलब ये आपने पार एंटर किया, 15 सेंटीमीटर तक गए हैं तो वहाँ पे क्या मिल जाता है? क्रिकोफ्रेंजियस, फर्स्ट फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। फिर 25 सेंटीमीटर पे जाके आर्च ऑफ एओर्टा और लेफ्ट ब्रोंकस आई थिंक वो मिल जाते हैं, सेकेंड एंड थर्ड कंस्ट्रिक्शन। और 40 पे जाके आपको वो कंस्ट्रिक्शन मिलती है फोर्थ, जो कि होती है एसोफेगस जब पियर्स करते हैं ना डायफ्राम को तो उस वजह से बनती है। तो दिस इज़ द एसोफेगोस्कोप विद ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्यों होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। दिस इज द ब्रोंकोस्कोप विद होल्स, होल्स क्यों होते हैं वो बता चुका हूँ। अब ब्रोंकोस्कोपी के भी डिफरेंट थेरापूटिक और डिफरेंट डायग्नोस्टिक यूजेज हैं। थेरापूटिक में क्या आ जाता है कि इट इज़ यूज टू रिमूव सम बिनाइन लीजन फ्रॉम द इट इज़ यूज इन फॉरन बॉडी रिमूवल। इसी तरह एसोफेगोस्कोप भी फॉरन बॉडी रिमूवल में इस्तेमाल भी हो सकता है इन द फूड पैसेज। और ये जो है फूड पैसेज मेनली एसोफेगस, और ये जो है ब्रोंकोस्कोप ये यूज होता है टू रिमूव द फॉरन बॉडी फ्रॉम द एयर पैसेज वे। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज इन डायलेशन इन केस ऑफ स्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्शन या स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन। इसके अलावा इसके कुछ हैं डायग्नोस्टिक कॉजेज, टू डायग्नोज द कॉज ऑफ वीज, टू डायग्नोज द कॉज ऑफ हॉर्सेस ऑफ वॉइस, टू डायग्नोज द कॉज ऑफ कफिंग, टू टेक बायोप्सी एक्सेट्रा, फॉरन बॉडी को डायग्नोस करने के में इस्तेमाल होती है। सो दीज आर सम यूजेज ऑफ ब्रोंकोस्कोप।